अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शुएब मंजूर फ्रॉम शुएब मंजूर यूट्यूब चैनल। और शुएब बॉस की तरफ से एक नई वीडियो में खुश आमदी कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि हमारी साइट है क्लाइंट एरिया, इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद ट्विटर वगैरह हम किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो है बेसिकली इस बात, ये चीज़ जो है चेक करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन होती है ऑटोमेशन सेटिंग्स, मार्केट प्लेस, स्टाफ मैनेजमेंट, पेमेंट्स, प्रोडक्ट सर्विसेज, सपोर्ट, एप्लीकेशन लिंक्स और यहाँ पर हमारे पास साइन इन इंटीग्रेशन की मेरे ख्याल में ऑप्शन होती है। जी यही है, यहाँ पर हमारे पास ये तीन आ जाते हैं कि हम ये तीनों लगा सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे जो है आपका काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पर ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट आईडी हमसे मांग रहा है। यहाँ से मैं हेल्प के बटन पर क्लिक करूँगा, उससे क्या होगा कि यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की वो सारा तरीकाकार हमें बता रहा है। ये कुछ इस तरह से साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल आ जाएगा। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। अब आसान कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे क्रिएट करनी है, ये आप जो है यहाँ से तरीकाकार इसका जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अप्लाई करें या यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देख लें। अभी इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने लग जाऊँगा तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं। वो सिंपल यहाँ पर आकर आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। मैं शुएब बॉस पर लॉगिन पर आता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ फेसबुक का लगाया था और ये भी अभी मुझे फुल सेटअप इसका करना है। इसका थीम की अपडेट एक नहीं आई थी तो थीम मैंने अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो है आइकन्स शो नहीं कर रहा। तो फ़िलहाल तो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अभी क्या मैंने किया है कि मैंने एक अकाउंट शुएब बॉस के ऊपर जो मैंने भरा हुआ था उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया अपने फेसबुक के साथ। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि मुझे यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो ये अकाउंट उसी टाइम ओपन कर देगा। मज़े की चीज़ है ना ये। मतलब ये सीन कुछ इस तरह से होता है कि आपको बनाना शुएब बॉस का या कोई भी आपकी कंपनी है उसका, तो उसको अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा बाय ईमेल, ठीक है। ईमेल से साइन अप करने के बाद वो अपना फेसबुक से भी लिंक इसको कर सकता है, इसको गूगल से भी लिंक कर सकता है, जो भी आपने ऑप्शंस दी होंगी। इसके लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है। ये देखें, मैंने यहाँ पर इसको लिंक किया हुआ है, यहाँ से अनलिंक भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं गूगल की भी ऑप्शन दूंगा, बाकी भी ऑप्शंस जो है वो मैं दूंगा। तो इंशाल्लाह यहाँ से मुझे एक और वीडियो याद आ गई, ये मेरी लास्ट वीडियो थी इस कोर्स की। तो यहाँ पर टू फैक्टर वाली आप ऑप्शन किस तरह से लगा सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन जो है बोल लें इसको, तो ये आप अपनी वेबसाइट पर किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। मेरी ये वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। आप अगर आपका शुएब बॉस के ऊपर अकाउंट है तो आप लाजमी तौर पर इसको इनेबल करें, ठीक है। आपके शुएब बॉस अकाउंट पर आपकी वो जो है प्राइवेसी लग जाएगी, तो उससे जो है ना आपका अकाउंट जो है फुल सिक्योर रहेगा। क्योंकि जो शुएब बॉस का आपका अकाउंट होता है वो लिंक होता है आपका अकाउंट आपके आगे सी पैनल WHM जो भी आपने हमसे बाय की हुई है उससे। तो अगर ये अकाउंट आपका किसी के हाथ में लग जाता है तो वो आपके सी पैनल में बगैर पासवर्ड के एंटर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। तो ये किस तरह से होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।